तरह। आज मैं जी भर कर पीना चाहती हूँ और जी भर कर जीना चाहती हूँ। मॉम, क्या आ जाइए, क्या कर रही हैं आप? इस उम्र में आप शराब पी रही हैं? शराब? मेरा सर। अरे मैंने शैंपेन की बोतल में एप्पल जूस डाल के रखा है। तुझे बताओ, अब देखना दो चार को एप्पल जूस ही चढ़ जाएगा। अरे इन औरतों का मंत्र ये है, जान जाए परेशान ना जाए। मिसेस नंदा, आई स्वेयर हमें नंदास की पार्टी का तो हमेशा इंतजार रहता है, पर ये पार्टी इतनी अचानक क्यों? अरे आप फैशन मैगजीन की तस्वीरें ही देखती रहती हैं, कभी कभी न्यूज भी पढ़ लिया करें। सारी दुनिया जानती है मेरे पोते को प्यार हो गया है। आयन इज इन लव। इसका मतलब ये पार्टी इसी खुशी में रखी गई है? अरे ये तो जश्न की शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। अरे सगाई के लिए चार पार्टीज होंगी, फिर संगीत की चार पार्टी, फिर मेहंदी के लिए चार पार्टी, और शादी, शादी का जश्न तो पूरे एक महीने चलेगा, बिल्कुल गोवा फेस्टिवल की तरह। सो एंजॉय, हैव वन पेग मोर, सबको पिलाइए। लेकिन मॉम, इनको पता नहीं चल जाएगा कि इसमें शराब नहीं एप्पल जूस है? अगर पता भी चल गया ना तो कोई जुबान नहीं खोलेगी। आ गई आ गई। मिसेस नंदा, क्या ये आपने अमेरिकन डायमंड्स पहन के रखी है? अरे आपने चश्मा नहीं पहन रखा, ये डिजाइनर्स डायमंड है। अच्छा, मैंने कहा था ना ये डिजाइनर डायमंड्स है, मैं जब पेरिस गई थी ना मैंने ऐसा ही सेट लिया था। पासपोर्ट के पेजेस पर दूध वाले का हिसाब लिखती है और कह रही है पेरिस गई थी। ये सेट कितने में पड़ा? ज्यादा महंगा नहीं है, 1 करोड़ का है। 1 करोड़? केक तुम 4 बजे कर चले। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। सोच रहा था रिटायर होने के बाद काम कम हो जाएगा, मेरा तो काम बढ़ गया। अरे जल्दी पियो, और भी काम है मुझे। लेकिन आपने चाय क्यों ना ली, मुझे कह देते मैं बना देती। 2 घंटे से ये सुई धागा और मोती लेके बैठी हो, चाय बनाती तुम? दिवाली पे नई ड्रेस नहीं ली थी, उसके साथ मैचिंग नेकलेस बना रही हूँ। बाजार में नहीं मिलता ये नेकलेस? मिलता है, 250 रुपए का मिलता है। हमारे घर से क्या गया, 50 रुपए के मोती, 50 पैसे का सुई धागा, बचा लिए ना 200 रुपए। रहेगी मिडिल क्लास तू। अरे पम्मी, तेरे 3-3 बच्चे कमाते हैं और तू ये 200-250 रुपए के चक्कर में पड़ी हुई है। आप नहीं समझोगे, हम मिडिल क्लास लोगों में औरतें ना पति और बचत दोनों के साथ 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 शादी करती है। बड़े लोगों को तो मुझे लगता है भगवान भी ना बड़ी फुर्सत से सुंदर से सांचे में डालकर बनाता है, और हम जैसे लोगों को बची खुची मिट्टी से। तो भाई हम बची खुची मिट्टी से बने लोग सारी लाइफ बचत ही करते रह जाते हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी घर के लिए, कभी अपने लिए। बात तो तेरी सही है, लेकिन अब इसे छोड़ दे, आंखें खराब हो जाएंगी। तो क्या हुआ, पम्मी का नया लुक हो जाएगा, चश्मा लगवा लूंगी। चश्मा भी तो मेरा इस्तेमाल करेगी। अब देखो जी, सपने एक हैं तो चश्मा अलग क्यों हो। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। आधा आप आधा मैं। तेरा झूठा नहीं पीऊंगा मैं। झूठे से प्यार बढ़ता है। पहले कब मैं प्यार बाद आया कि नहीं? You're too good, Mr. Rajesh Khanna. Sorry, honey. Sorry. खड़ा था। Oh, nice party. Thanks. लेला दिया, लेला। बहुत अच्छा है। Thank you. मलिका, इन दोनों को देखकर तुझे क्या लगता है, इन्हें सांस चढ़ी है या हमारी एप्पल जूस वाली शराब? वो आम थी ना, सो नॉटी। वो तो मैं बचपन से थी, तुझे पता है कॉलेज में सब मुझे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कहते थे। अरे मैं क्लास में इतनी बदमाशी करती थी कि खोता प्रोफेसर मुझे क्लास से बाहर निकाल देता था। अगर अब मैं बाहर खड़ी हुई तो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होंगी ना। अच्छा मेरी बात सुन, ये मेरी बड़ी बहू अवंती का कहाँ है, पार्टी पे नजर नहीं आ रही? यही कही होगी मां, मैं अभी देख कर आती हूँ। ओके। सॉरी। नाइस पार्टी, नाइस पार्टी।
आवाज़ निकाल चुका है मैम, वो इस तरफ। अच्छा, उस तरफ बैठिए। भाभी, आप पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों खड़ी हैं? अपने परिवार की तस्वीरें देख रही हूँ। देखो, सब कितने खुश नजर आ रहे हैं। पर क्या वाकई ये खुशी इन सबके दिल में है? भाभी, कम से कम आज के दिन ऐसी बातें मत करो। आज के दिन आपको बहुत खुश होना चाहिए। आपके एक पोते आयन को प्यार हो गया है और दूसरे पोते अर्थ को प्रमोशन मिल गया है। अरे, अपने पोतों की फिक्र मुझे क्यों होगी? उनका ख्याल रखने के लिए तो है ना तुम्हारा बेटा रणबीर। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, रणबीर मेरे दोनों ही बेटे सिद्धार्थ और आदित्य से छोटा है, लेकिन फिर भी सबसे कामयाब वही है। और सही मायनों में नंदा परिवार के नाम को ऊंचाइयों तक तो उसी ने पहुंचाया है। रणबीर ने सिद्धार्थ का कितना ख्याल रखा है, उसे अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना लिया है, और ठीक उसी तरह सिद्धू के बेटे आयान का भी ख्याल रख रहा है। अगर मुझे फिक्र होती है तो बस अपने बेटे आदित्य की। वक्त ने उसके साथ सही नहीं किया। पहले तो रातों रात उसे इतना बड़ा स्टार बना दिया, उसकी पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, लेकिन फिर अपने उसूलों और अपने एथिक्स की वजह से उसने सब खत्म कर दिया। आदित्य के लिए बस स्टार बनना जरूरी नहीं था, वो एक कामयाब एक्टर भी बनना चाहता था, और इस वजह से जो उसने फिल्में की, फेस्टिवल से तो जरूर गई, लेकिन बिजनेस के नाम पर तो उन्होंने पैसा तक नहीं मांगा। यहाँ तक कि बिजनेस का जो हिस्सा आदित्य को मिला उसने वो भी फिल्मों में लगा दिया, और हासिल कुछ नहीं हुआ। और इस सब का दर्द उसकी आंखों में दिखता है। शायद यही वजह है कि अपने परिवार के बीच में रहकर भी बिल्कुल अकेला है। जितना प्यार उसे मिलना चाहिए था ना, वो उसे नहीं मिला, और इसी वजह से अपने रिश्तों से भी वो प्यार खो बैठा। मजा तो तब है जब पूरी दुनिया तुमसे प्यार करे, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम एक स्टार हो, हीरो हो। यू नो व्हाट इज सक्सेस? जब तुम्हारा एक मामूली सा सिग्नेचर किसी दूसरे के लिए ऑटोग्राफ, तुम किसी और फील्ड में भी कुछ बड़ा कर गुजरो तो भी आसपास के गिने चुने लोग तुम्हें जानेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी एक फिल्म हिट हो जाए, दैट्स इट, यू आर एन ओवरनाइट स्टार, पूरी दुनिया तुमको जानेगी। यस। और एक हिट फिल्म के बाद जब 10 फिल्में फ्लॉप होती है ना, तब यही दुनिया आपको पहचानती तक नहीं, सब कुछ चला जाता है आदित्य, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ, और इनकी नजरों से बिगड़ जाते हो, और शायद अपनों की नजरों से भी। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं आस्था, जो तुम्हारा पति नहीं बन सका, वो एक दिन तुम्हारा बेटा श्लोक करके दिखाएगा। नो बे आदित्य, मैं अपने बेटे को तुम्हारे जैसा कभी नहीं बनने दूंगी। जब कोई इंसान बिजनेस में नाकामयाब होता है ना, तब वो उसकी नहीं पूरे बिजनेस की नाकामयाबी होती है, और जब कोई इंसान फिल्म में नाकामयाब होता है, तब वो सिर्फ उसकी नाकामयाबी होती है, फिल्म की नहीं, क्योंकि वो खुद को बेचता है, एंड दैट इज द वर्स्ट फीलिंग एवर। मम्मी सही कह रही है ना? आखिर क्या मिला आपको फिल्मों में एक्टिंग करके? जरा रणबीर चाचू को ही देख लीजिए, आपके चचेरे भाई हैं, सबसे छोटे हैं घर में, लेकिन कितने पैसे कमाए उन्होंने। आज हम जहाँ तक ही पहुँच पाए सिर्फ रणबीर चाचू की वजह से पहुँचे हैं, नहीं तो आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन उनके पैसे फिर भी हमें नहीं मिलेंगे, वो पैसे सारे आयान को मिलेंगे। आपको मालूम है क्यों? एक तो आयान रणबीर चाचू का फेवरेट भतीजा, और दूसरा आयान के पापा रणबीर चाचू के लिए काम करते थे, और डैड, अगर आपने भी रणबीर चाचू के लिए काम किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज आप भी बहुत बड़े बिजनेसमैन होते और बिजनेस में बहुत आगे होते, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैंने डिसाइड कर लिया डैड, चाहे कुछ भी हो मैं रणबीर चाचू के गुड बुक्स में रहूंगा, ताकि मैं उन जैसा बन सकूं। Enjoy yourself. थोड़ा और लीजिए ना, आपकी प्लेट कहाँ है?
कैसा है खाना? भाई हम पंजाबियों के दो ही शौक होते हैं, अच्छा खाना और अच्छा पहनना। अब आप लोगों ने पहना तो डिजाइनर का है, खाना भी अच्छी तरह से खाइए कि कल आप जब तराजू पे जाएं तो तराजू को ये तो पता चले कि नंदा के घर से खाना खा के आए। अरे आलू वेटर। यस मैम। मैंने तुमसे कहा नहीं था सब्जी में आलू नहीं डालना? ये आलू जी यहाँ क्या कर रहे हैं? What's going on? Potatoes? फिर से आलू की सब्जी? Give me a break, mom. नहीं नहीं बेटा, आज मैं इसमें भिंडी भी तो डालने वाली हूँ। भिंडी और आलू? What a combination. Mom, क्या जरूरी है कि हर सब्जी में आलू मिलाए जाए? Can't we just have the सब्जी? Of course you can have, बेटा। पर इस देश की आधी आबादी तो आलू पे जिंदा है। खैर तू कह रहा था, मैं तेरे लिए थोड़ी सी कोरी भिंडी बना दूंगी। Actually, mom, आपके हाथ के आलू खाने की इतनी आदत हो गई है कि इसके बिना खाना अच्छा ही नहीं लगता। Crack. तो इसी बात पर कल नाश्ते में तुझे मिलेंगे आलू के पराठे। आलू के पराठे? खुशी के मारे बेहोश ही हो गया। उठ पुत्र, उठ उठ ना। ये क्या खाना है बिगड़ी? ओह, चिड़िया के लिए ले जा रही हो? बिगड़ी, ये मेरा खाना है। हाय हाय, मैं ऐसे खाऊं तो मैं मरी जाऊं। मैं तो जीने के लिए खाती हूँ, खाने के लिए तो मैं जीती हूँ ना, यही बोल रही थी। हाँ तो जीती हूँ। And you know what? I am proud of myself. देख, अपनी छोटी बहन से सीख। छोटी बहन? ये किस एंगल से मेरी छोटी बहन लगती है? She looks like my मासी। मासी लगू या माँ लगू? I don't care. और वैसे भी मुझे तेरी तरह फिगर मेंटेन नहीं करना है। रेडियो जॉकी हूँ, लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, मुझे देखता कोई नहीं है। अच्छा दादी, मॉम कहाँ है यार? मुझे उनसे बात करनी है। भाई जहाँ प्रेस होगी, जहाँ पिक्चर्स क्लिक हो रही होंगी, वहीं तुम्हारी मॉम भी होंगी। आफ्टर ऑल रेवा तो पेज 3 में दिखने के लिए जीती है, राइट? थैंक्स, कैन वी डू दैट लेटर? आपके बेटे अयान के प्यार में पड़ने की खुशी में तो पार्टी बड़ी शानदार दी है, पर एक और पार्टी बहुत जल्द अरेंज करनी पड़ेगी आपको, अयान के प्यार की टूटने की खुशी में। क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो भाभी जी? बोलना तो पड़ेगा ही, हमारा देवर रणबीर है ना, वो लड़की देखने गया है, और तुम्हें तो पता ही है वो किसी के भी सर से 3 मिनट में प्यार का भूत उतार सकता है। और आपका बेटा अयान, वो तो उस लड़की के साथ 3 घंटे से है। तो स्वीटी, तुम्हें क्या लगता है, क्या रणबीर अयान को उससे शादी करने देगा? तुम तो कुछ भी बोलती हो। खैर बड़ी माँ कहाँ है? ओम? ओम? बात कर रही हूँ। कमला, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि कम से कम पार्टीज में मुझे मॉम मत कहा करो। तुम तो जानती हो ना कि लोग मुझे समझते हैं। I know यार, लोग आपको मेरी छोटी बहन समझते हैं। Right. I'm sorry. अच्छा, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेटर, मैं बहुत जल्दी में हूँ। Oh my God, बड़ी माँ कहाँ है? Oh, beautiful. Beautiful. तुमने नहीं लगाया? बड़ी माँ, आप ये आखिर कर क्या रही हैं? टैटू बना रही हूँ। माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, यहाँ मेरी जान पे बनी है और आपको अपने टैटू की पड़ी है। क्या हुआ? बड़ी माँ, अयान। क्या हुआ अयान को? तुम टेंशन में क्यों? मुझे पता है चाचू तुम्हें देखते ही इंप्रेस हो जाएंगे। बट अयान, तुम टेंशन मत लो। तुम यही सोच रहे हो ना, अगर चाचू ने ना कर दिया तो? अगर कर भी दिया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का फैसला कर चुका हूँ। सो जस्ट चिल। हेलो, आई थिंक सिग्नल की प्रॉब्लम है, तुम यही रुको, चाचू अभी आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है शायद यही अयान के चाचा होंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते, हाउ आर यू सीटार? वो अंकल, मुझे स्पेशली आपसे मिलने के लिए कहा गया था। अच्छा, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। भाई हम नहीं जानते कि हम लड़कियों में इतने पॉपुलर हैं। ठीक है, मिलना ही है तो फिर खड़े खड़े क्यों, कॉफी पीते पीते मिलते हैं। सर
बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, जहाँ लड़की देखते शुरू हो जाते हो तुम। ऐसी बात नहीं है, ये खुद मुझसे मिलना चाहते थे। By the way, she's my wife, Sonia. Mr. रणबीर नंदा, आप ही है ना मिस्टर रणबीर नंदा? ये नंदा नहीं, चंदा है, समीर चंदा। आई एम सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई थी। चलो आपको तो मैं देखती हूँ। फिर ये रणबीर नंदा कहाँ होगा? What nonsense is this? ये होटल है या तबेला? Look at this. इस नैपकिन में दाग है। How unhygienic. और अगर इससे मैंने अपने हाथ पहुंच लिए होते तो मैं तो बीमार पड़ सकता था। अगर 3 दिन मुझे बिस्तर पर लेटना पड़ता तो मतलब मेरे 3 दिन बर्बाद हो जाते। और मेरे 3 दिन का मतलब है 72 hours. 72 hours यानी कि 4,320 मिनट्स। और मेरे हर मिनट की कीमत है, जानते हो क्या? 28,360. इसका मतलब हुआ 12,25,15,200 रुपए। क्या तुम्हारा ये सड़ा हुआ होटल मुझे दे पाएगा? सॉरी सर, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। जस्ट बता। छेड़ रहे हो? देखो तो सही, हाथ अगरबत्ती तो पैर मुंह। अरे इसे तो मेरे गली का कुत्ता भी नहीं छेड़ेगा। यार, ओह माय गॉड, नॉट यू अगेन। पहले वो सड़ा हुआ नैपकिन और अब ये सड़ा हुआ चेयर। प्लीज मूव। परवरिश की प्रॉब्लम है या पैदाइशी पागल हो? सॉरी, क्या कहा तुमने? बोलने का शौक आपको है, वो भी बिना सिर पैर के। बड़े बदतमीज इंसान हो तुम। तो सच्चाई आपको बदतमीजी लगती है? हे चाचू, चाचू ये शनाया के। और शनाया, ये है मेरे चाचू रणबीर नंदा। आप दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं इंप्रेस हो गए क्या एक दूसरे से? आई ओके चाचू? हाँ बिग डी। बेटा, मेरी सांसें नहीं चल रही हैं। और मेरी भी रुकते रुकते बच गई हैं। गले से एक नवाला नहीं जाता। रणबीर, मेरी बात सुन बेटा। दादी, पहले जो मुंह में रखा केक है उसे खा लीजिए और फिर बात कीजिए। जब देखो मेलो ड्रामा। लड़की से मिला? मतलब कि लड़की तेरे सामने खड़ी है। कैसी कैसी है वो? देख, जैसी भी है तू उसे पसंद करेगा। और खबरदार, जो आयान का ब्रेन वॉश किया तो हमने उसको अपनी बहू ऑलरेडी मान लिया है। यस, अब आयान से बोल कि तुझे लड़की पसंद आ गई है। बिग डी, मैं नहीं कर रही, जो मैं बोल रही हूँ वो बोल। बिग डी, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। आयान, मुझे तुम्हारी चॉइस। किसी को नौकरी से निकाल रहा है या तारीफ कर रहा है? मुस्कुरा के बोल, वेलकम टू नंदाज। वेलकम टू द नंदाज। ये चाचू, आई लव यू चाचू। आपने हाँ कर दी चाचू। टाइम टू सेलिब्रेट। चलो केक लेकर आते चाचू। प्लीज Please join us. Yeah, sure. Would be my pleasure. You guys carry on. Welcome to the Nanda's, the madhouse. अब जब तक मैं इस आयान को 2x2 से दूर नहीं कर देता, मैं अपनी पोनीटेल नहीं खोलूंगा। हाँ, मैं अपनी पोनीटेल नहीं खोलूंगा। मैं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.